अभी मैंने आपको देखिएगा गाइड किया था कि अभी परसों की बात है कि जब फ्रेश केसेस जो थे वो कम निकले थे, थोड़ा सा एक सहूलियत आई थी, थोड़ा सा देखिएगा एक जो पैनिक था वो कम हुआ था, बट स्टिल आज यहाँ पे हेल्थ अथॉरिटी ने क्या कहा है कि न्यू इन्फेक्शन के केसेस निकल आए हैं 4770। चाइना क्या जाता है, जीरो स्ट्रैटेजी पूरी तरीके से, जब तक देखिएगा पूरी कंट्री कोविड फ्री नहीं हो जाती तब तक वो लॉकडाउन रखेंगे। अगर वो लॉकडाउन रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टील पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल इस्टेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कंपनी ऑलरेडी देखिएगा कई सारी वहाँ पे स्ट्रगल कर रही हैं, तो उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट एशियन मार्केट पे पड़ेगा। और अभी जब पहली बार आउटब्रेक हुआ था उसी दिन 4-5% चाइना का बाज़ार टूटा था, तो अगर कंटिन्यू लॉकडाउन रहता है तो चाइना का बाज़ार टूटने की आशंका बन सकती है आगे आने वाले टाइम में, तो उसको भी आपको फोकस रखना है क्योंकि उससे इंडियन मार्केट पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, आप बैक टू बैक देख सकते हो, जीरो स्ट्रैटेजी में कंटिन्यू वर्किंग कर रहे हैं। लेट्स सी, अगर देखिएगा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन इनको सक्सेसफुल जल्दी होना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा दिन तक लॉकडाउन रखना इकॉनमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे तो जो डेली केसेस हैं उनमें भी देखिएगा चीज़ें बढ़ी हैं, 2281 न्यू लोकल इन्फेक्शंस निकले हैं जो कि चाइना के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल ही का एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि एक डेथ हुई है आफ्टर 2 ईयर्स। तो आप समझ लीजिए, तो इंडिया में तो कितने कॉमन वे में ये डेथ्स होती है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं वहाँ पे 1-2 डेथ पे इतना ज़्यादा उसको हाइप किया जा रहा है, तो अभी जब ज़्यादा लोग मरने लगेंगे तो उसको कितना ज़्यादा हाइप किया जा सकता है। तो चाइना से बिल्कुल देखिएगा आपको ये अपडेट कॉन्टिन्यू देखिएगा लेते रहना है। अब मैं बात करूंगा कि मार्केट का मूड और माहौल कौन ख़राब करेगा। पहले तो आपको पता है रिजल्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, अप्रैल आने वाला है, सबका फोकस ये है कि किस तरीके से कॉरपोरेट अर्निंग आने वाली है, क्या यूक्रेन के जो पर्टिकुलर देखिएगा इशू हुए हैं उससे इन्फ्लेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, कई देखिएगा सेक्टर बहुत बड़े डाउनफॉल में जाएंगे, कई सारे बहुत अप ट्रेंड में आएंगे, वो सारा इम्पैक्ट देखिएगा वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा। तो अगला महीना काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होने वाला है। लेकिन मूड कौन ख़राब करेगा, अमेरिका। अमेरिकन इकॉनमी कहीं ना कहीं अगर आप समझने लगे होंगे कि अमेरिकन इकॉनमी अब पैनिक में आ रही है, अगर आप देखोगे अमेरिकन इकॉनमी में कोई अच्छा लीडर भी ऐसा नहीं है, जो बाइडेन को इतना पावरफुल लीडर भी नहीं कह सकते कि वो इकॉनमी को संभालने के लिए कोई अच्छा वर्क कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो मूड और माहौल पूरा अमेरिका ख़राब करेगा आने वाले टाइम में। और वो पूरी तरीके से वर्किंग करना भी स्टार्ट कर चुका है और वो इसीलिए एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं। अगर आप देखोगे हमारे आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो बहुत ही लीनियंट स्टेटमेंट देते हैं, कोई चीज़ ख़राब भी होती है तो उसको कहने का तरीका होता है, लेकिन अगर वो डरा के कहें तो आप समझ सकते हो कि उस पर्टिकुलर कैपिटल मार्केट पे वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेंगे। तो वो बार बार अगर आप देखेंगे तो गोल्डमैन सैक्स ने पहली बार देखिएगा यहाँ पे गोल्डमैन ने कहा है यहाँ पे कि जो फेड का नेक्स्ट रेट हाइक होगा तो वो देखिएगा मई से जून के महीने में होगा और वो 50 BPS तक हो सकता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है, ऐसा उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि फेड की तरफ से बहुत ही एग्रेसिव स्टेटमेंट लास्ट नाइट आपको देखने को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 50 BPS ये मई और जून में ही बढ़ाते हैं और कॉन्टिन्यू इस चीज़ को क्या करते हैं, तेज़ी से करते रहते हैं, तो कैपिटल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड कॉन्टिन्यू सर्ज हो रही है, इक्विटी से पैसा स्विच होगा, US जो FIIs हैं वो अपना अमाउंट क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे अदर इमर्जिंग मार्केट से, तो इससे सारी मार्केट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी। क्या होंगी, सारी मार्केट कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगी टाइम टू टाइम पे। तो जो मूड और माहौल ख़राब करेगा वो केवल अमेरिका करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा देखिएगा पेनफुल है कि फेड कल रात में स्टेटमेंट अगर आपने देखा होगा तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन हमारे प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा हो चुका है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, हमें अब तब तक रेट हाइक करते रहेंगे जब तक वो कंट्रोल में नहीं आ जाता। मतलब आप कहते नहीं हो एक तरीके से कि हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है, कंटिन्यू एक तरीके से रिसेशन भी क्रिएट कर सकते हैं अमेरिका में, इस तरीके से तो एक रिसेशन की स्थिति भी आ सकती है। और इतनी पावरफुल इकॉनमी अगर इस तरीके से देखिएगा पैनिक स्टेटमेंट दे रही है तो वो चीज़ कहीं से भी अच्छी नहीं है। तो आप देख सकते हैं मार्केट आर पुशिंग फेड इनटू डेवलपिंग इकॉनमी टेरिटरी, तो आप समझ ले सकते हैं कि किस तरीके का स्टेटमेंट है, कि US किस तरीके से बिहेव कर रहा है। हालांकि वहाँ पे एक से एक इकोनॉमिस्ट हैं, एक से एक देखिएगा रिसर्चर हैं, वो इस चीज़ को और भी अच्छी तरीके से बेटर वे में सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आप ओपनली इस तरीके से
कह रहे हो कि हम पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हैं टू रेट इंटरेस्ट, देखिएगा रेज इंटरेस्ट रेट हाइक एग्रेसिवली, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अभी पेन बना रहेगा यूएस मार्केट में। तो इस अपडेट को आपको टाइम टू टाइम ट्रैक करते रहना है, चूँकि इनका स्टेटमेंट आते ही बॉन्ड यील्ड बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, तो इस चीज़ को ट्रैक करते रहना है। फिर इंडिया के लिए क्या अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यूएस परेशान है, चाइना परेशान है, रशिया परेशान है, टॉप पावरफुल कंट्री परेशान है, सबसे बड़ा मार्केट कहाँ पे है जो परेशान नहीं है, एटलीस्ट परेशान नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, हर देश में बढ़ रहा है, आप समझ सकते हो कि अगर यूएस जैसी कंट्री जो इतनी डेवलप्ड कंट्री है वो अगर इन्फ्लेशन से परेशान है तो उस कंपैरिजन में इंडिया काफ़ी बेटर है। और अगर आप अपनी आसपास की पड़ोसी देश देख लेंगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा पेन है। तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ आ सकता है, इंडिया में, और वो आना शुरू भी हो चुका है। इंडिया के लिए एक पावरफुल टूल बनेगा, केवल एक पावरफुल टूल बन रहा है आने वाले 2 से 3 सालों में, अगर इंडिया ये जो स्विच होना है, यानी कि जो अमाउंट स्विच होना है बड़ी इकॉनमी से पावरफुल इकॉनमी से, अगर उस इन्वेस्टमेंट को इंडिया क्या करता है, इंडिया लाने में सफल रहता है, तो इंडियन शेयर मार्केट नेक्स्ट 2 लेवल देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे सबसे स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिल रही है और वो अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू रन करते रहेगी। तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी 280 मिलियन का इकोनॉमिक बूस्टअप दिया है, जापान ने कितना दिया था अभी आपको बताया था 42 बिलियन का। तो ये बड़े बड़े जो बूस्टर डोज आ रहे हैं इंडिया में, ये इंडिया की इकॉनमी के लिए बहुत ही देखेगा अच्छे हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कहीं पर भी किसी भी पेन से आपको डिप मिले, आप लॉन्गर टर्म के लिए सोचो, अच्छी कंपनियों के बारे में सोचो और आपको बेनिफिट होगा और आपको शेयर बाजार में भी बहुत बड़ा फायदा होगा आगे चल के। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।